अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एगलेस चॉकलेट केक विदाउट एनी चॉकलेट। बहुत ही कम सामान में और घर की चीज़ों से सिर्फ ये केक बनके तैयार हो जाता है और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आता है। अंडों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, आप बग़ैर अंडों के घर में आसानी से केक बना सकते हैं। तो चलें जी, अब टाइम ज़ाया किए बग़ैर केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो केक बनाने के लिए सबसे पहला काम मैंने ये किया है कि यहाँ मैंने एक पतीला ले लिया है और इसे अब मैं प्री हीट होने के लिए ठहरा दूँगी, क्योंकि ओवन में नहीं बना रहे हम, विदाउट ओवन ये केक बना रहे हैं। और इसके अंदर इस तरीके से मैंने सॉल्ट इसकी सारी सरफेस पे फैला दिया, ये यूज़ सॉल्ट है, बेकिंग में मैंने पहले भी ये यूज़ किया हुआ है। आप यूज़ करके फिर किसी शॉपर वगैरह में डाल के रख दें। उसके ऊपर स्टैंड रख दिया मैंने और उसके बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लूँगी नॉर्मल फ्लेम पे। और मेरा जो केक मोल्ड था जिसमें मैंने केक को डालना था, उसे भी मैंने ग्रीसी करके बटर पेपर लगा के रख दिया, और यहाँ मैंने जो जो चीज़ें केक में डालनी थी वो रखनी हैं, मैं आपको बताती जाती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया, उस पर मैंने इस तरह की एक स्ट्रेनर रख दिया है, और उसमें मैं सबसे पहले अब मैदा डाल दूँगी। ये मैंने मैदा ले लिया 1 कप, यानी 160 ग्राम्स मैंने मैदा ले लिया, ये मैं डाल दूँगी इसमें। और ये मेजरिंग कप्स मैंने यूज़ किए हैं बेकिंग के लिए, आप भी मेजरिंग कप्स ही यूज़ किया करें। और यहाँ मैंने कोको पाउडर ले लिया है, ये 1/4 कप मैंने कोको पाउडर ले लिया है, अब ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अगर बेकिंग में हम मेजरिंग कप्स और स्पूंस यूज़ करेंगे, ये मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ इस तरह के, तो हमेशा हमारी बेकिंग अच्छी होती है। और यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है, ये 1 टीस्पून मैंने फुल भर के बेकिंग पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है, जो मीठा सोडा होता है वो ले लिया है मैंने। और उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट डाल दूँगी, तकरीबन 1 पिंच के करीब मैं सॉल्ट डाल दूँगी इसमें। ये सॉल्ट जो है ये केक की हार्शनेस को ख़त्म करता है। उसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करके छान लूँगी। बेकिंग में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना लाजमी होता है, आप केक बनाएं, कुकीज़ बनाएं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छाना लाजमी करें। तो इस तरह से करके मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया, अब मैं इसे साइड पे कर देती हूँ। और यहाँ मैंने एक और बाउल ले लिया, अब मैं इसमें सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है, ये 1/3 कप मैंने ऑयल ले लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। आप नॉर्मल कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 1/3 कप जो ऑयल लिया है, ये मैंने लेवल लिया है, फुल भर के नहीं लिया। उसके बाद मैं दही ले लूँगी यहाँ, ये भी 1/3 कप मैं लूँगी, और ये मैं फुल भर के लूँगी, यानी दही जो है वो ऑयल से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और ये मैंने नॉर्मल घर की दही यूज़ की है जो घर में बनाते हैं। दही बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही आसान है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जो दही हम केक में डाल रहे हैं, ये अंडों का ऑल्टरनेट है, क्योंकि इस केक में हम अंडे तो यूज़ कर नहीं रहे, तो उसकी जगह हम दही यूज़ कर रहे हैं। इस दही से हमारा केक फूलेगा। आपके पास घर में अंडे अवेलेबल ना हो तो आप दही डाल के केक बना सकते हैं। और यहाँ मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है, ये 1/2 कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है, और उसके ऊपर 2 टेबलस्पून और भर के। इतना मीठा वैसे परफेक्ट होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं तो आप ज़्यादा भी चीनी डाल सकते हैं। और अब यहाँ मैंने एक विस्क ले लिया, और इसकी हेल्प से मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इतना मिक्स करना है मैंने कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहें, कोई गुठलियाँ ना रहें। हाँ जी, तो आपने देखा होगा कितना आसान है ये केक बनाना, इसमें कोई बीटर यूज़ नहीं करेंगे हम, ना कोई ग्राइंडर यूज़ करेंगे, आराम से एक विस्क की हेल्प से इस तरीके से हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हाँ जी, ये देखें जी, इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और इसमें कोई भी लम्स वगैरह बाकी नहीं है, फ्लोई सा मिक्सचर है। और अब यहाँ मैंने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स ले लिए हैं, और उसमें मैं ये मिक्सचर डाल दूँगी सारा। आपको ये देखने में लग रहा होगा कि इसमें कोई भी लम्स नहीं है, इस तरह का ही आपका ये लिक्विड मिक्सचर होना चाहिए। और उसके बाद मैंने एक स्पैचुला ले लेना है, और स्पैचुला की हेल्प से मैं इसे कट एंड फोल्ड करते हुए इस तरीके से मिक्स करूँगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ, इसे एकदम से ऐसे जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना, इस तरह से कट एंड फोल्ड करते हुए इसे मिक्स करना है, और इसे बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स भी नहीं करना। हाँ जी, ये देखें जी, मैंने इसे इस तरीके से मिक्स कर लिया, और इसका ऐसे थिक सा मिक्सचर बन गया है। अब मैंने यहाँ दूध ले लिया है, और ये मैंने एहतियातन 1 कप दूध लिया, लेकिन इसमें 1/2 कप ही डाला था, 1/2 कप हम डालेंगे इसमें दूध, और ये थोड़ा थोड़ा दूध करके डालेंगे हम, और उसके बाद इसे मिक्स करते जाएंगे, एकदम से सारा दूध नहीं डाल देना। हाँ जी, ये देखें जी, इसे मैंने मिक्स कर लिया, और ये देखें ये कितना फ्लोई सा बैटर है, आपको नज़र आ रहा होगा, आपका बैटर इसी तरह का ही होना चाहिए।
उसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। हाँ जी, ये देखें जी, इस तरह का एक मैंने मोल्ड ले लिया। ये मैंने नॉर्मल जिसमें हम घर में बर्फ़ जमाते हैं वो लिया है, और उसके मैंने ग्रीसी करके उसके ऊपर इस तरीके से बटर पेपर लगा दिया। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मैं ये सारा बैटर जो है ये इसमें शिफ्ट कर दूंगी। हाँ जी, ये देखें जी, हमारा मिक्सचर रेडी है। मैं इसे इस तरीके से एक दो मरतबा टैप टैप कर लूँगी ताकि इसके अंदर से जो सारे एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और इसके बाद मैं ये जो बैटर को अपने प्रीहीटेड पतीले में रख दूँगी जिसे मैंने पहले से ही प्रीहीट किया हुआ था। उसके बाद मैं इसे कवर कर दूँगी और पहले 5 मिनट मैं इसकी फ्लेम नॉर्मल रखूँगी, और 5 मिनट के बाद जो है इसकी फ्लेम मैं लो कर दूँगी। बिल्कुल 1 इंच तकरीबन होनी चाहिए आपकी फ्लेम। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ कि इसकी कितनी फ्लेम होनी चाहिए। हाँ जी, ये देखें, इतनी फ्लेम होनी चाहिए इसकी। और उसके बाद मैं केक को बेक होने के लिए ठहरा दूँगी। बार बार खोल के नहीं देखना, इससे हमारा केक जो है वो फूलता नहीं है। और 30 मिनट्स के बाद इसे खोल के देख लीजिएगा आप एक बार, लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा ही टाइम लगता है, आप एहतियातन देख लीजिएगा क्योंकि हर जगह का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, इसलिए कहीं 1 घंटा लग जाता है, कहीं 50 और 45 मिनट। तो मेरा केक तो तकरीबन 45 मिनट्स में बेक हो चुका था। और ये देखें जी, अब मैं ये हटाती हूँ, ये अच्छे तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा कि बेक हो चुका है। अब मैं आपको इसमें टूथपिक भी इंसर्ट करके दिखाती हूँ। आप टूथपिक इंसर्ट करें, अगर वो बिल्कुल ख़ाली हो तो इसका मतलब यह है कि केक बेक हो चुका है, और दरमियान में इंसर्ट करें इसके टूथपिक। अब मैंने इस केक को बाहर निकाल लिया और मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और मैं इसे इस तरह किसी कपड़े से कवर करके रख दूँगी क्योंकि ये चॉकलेट केक है, बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है, इसी वजह से मैं कवर करके रख दूँगी ताकि ये खुश्क ना हो। हाँ जी, तो हमारा केक ठंडा हो चुका है। अब मैंने एक नाइफ़ ले लिया, उस के साथ मैं इसकी साइड्स इस तरीके से अलग कर लूँगी। आपने एकदम से केक को नहीं निकालना है, इसकी साइड्स अलग करनी है पहले, इससे केक जो है वो टूटेगा नहीं। और साइड्स अलग करने के बाद फिर ये आसानी से निकल आएगा। तो ये देखें जी, साइड अलग करने के बाद मैंने इस तरह एक प्लेट ले ली और इसे मैं इस तरह टर्न करूँगी और हल्का सा मैं प्रेस करूँगी तो केक हमारा निकल आएगा आराम से। और इसके ऊपर जो मैंने बटर पेपर लगाया हुआ था, देखें इसकी वजह से कितनी आसानी से निकल आया है। अब मैं बटर पेपर रिमूव कर दूँगी और उसके बाद मैं केक को टर्न करके सीधा कर लूँगी। हाँ जी, तो ये देखें, हमारा बेसिक चॉकलेट स्पंज केक बन के बिल्कुल रेडी है। और मैंने जो मोल्ड लिया था वो मैंने चौड़ाई में ज़्यादा लिया था, लंबाई में कम लिया था, इसी वजह से मेरा केक इतना हाइटेड नहीं है। अगर आपको हाइटेड केक चाहिए तो आप चौड़ाई कम लीजिएगा और लंबाई ज़्यादा लीजिएगा। और मैंने इस तरह का एक स्टैंड ले लिया है और इसके ऊपर मैंने केक रख दिया, नीचे मैंने एक प्लेट रख दिया। अब मैं इस पर गेनाश स्प्रेड कर दूँगी, चॉकलेट गेनाश, ये भी बगैर किसी चॉकलेट के बना हुआ है। इसकी रेसिपी भी चैनल पर मौजूद है, मैं केक की रेसिपी से पहले इसकी रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये भी बगैर किसी चॉकलेट के बना है और बहुत ही मज़े का लगता है ये, और आपकी मर्ज़ी होती है कि आप इसे पोरिंग कंसिस्टेंसी में रखें कि स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में रखें। तो ये सारा गेनाश इस तरीके से मैं इस पर स्प्रेड कर दूँगी, और नीचे मैंने जो प्लेट रखी है वो इस वजह से रखी है ताकि जो एक्स्ट्रा गेनाश है वो उस पर चला जाए। और अगर आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा हो तो आप खाली प्लेट में रख के भी उस पर गेनाश डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह इसलिए किया कि इससे हमारे केक में नीटनेस आएगी। और मैंने इसे केक को उठाया इस तरीके से था कि सारा गेनाश स्प्रेड करने के बाद मैंने स्टैंड के नीचे हाथ रखा था तो केक थोड़ा ऊपर हो गया था, फिर इसके नीचे मैंने कोई सीधा चम्मच वगैरह रख के इसे उठा के दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था। हाँ जी, ये देखें जी, तो इस तरीके से मैंने इसे और प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया, और देखें अब इसमें कितनी नीटनेस आ गई है। अगर डायरेक्ट मैं इसी प्लेट में डाल देती गेनाश तो इसमें इतनी नीटनेस ना होती। और अब मैं इसकी गार्निशिंग कर लेती हूँ। आप किसी भी चीज़ से गार्निशिंग कर सकते हैं, जिस चीज़ से आपका मर्ज़ी दिल करे। ये मैंने ग्रेटेड चॉकलेट ले लिया है, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, वो मैं ऊपर लगा दूँगी। आप इसके ऊपर बंटीज लगा सकते हैं, आप स्प्रिंकल्स लगा सकते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हों। हाँ जी, ये देखें जी, गार्निशिंग हो चुकी है। अब मैं इसे इस तरीके से कवर करके 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। हाँ जी, ये देखें जी, हमारा केक ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। हाँ जी, ये देखें जी, ये देखने में कितना मज़े का लग रहा है, खाने में भी इतना ही मज़े का होता है। तो हाँ जी, देखा आपने कि कितना आसान है ये चॉकलेट केक बनाना, आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो इसे लाजमी बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना। तो चलें जी, अब मैं आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।